नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र तिवारी। आज हम चर्चा करेंगे कि डॉग स्कैनर से डॉक्यूमेंट्स को कैसे स्कैन करें और उसके बाद स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को PDF बनाकर कैसे जीमेल या व्हाट्सएप में भेजें। तो ये डॉक्यूमेंट स्कैनर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ सर्च करेंगे DOC डॉग स्कैनर, सर्च करेंगे, ये तीसरे नंबर का आइकॉन दिख रहा है। मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा अभी। ये इसका आइकॉन है, इसे ओपन करने के बाद आप ये देख रहे हैं, ये कैमरा का आइकॉन बना हुआ है। इसको चालू करेंगे और जो आपका लिखा हुआ मैटर है उसे स्कैन करेंगे। ये देखिए, ये सेट कर लिया, उसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा 2-3 पेज 10 पेज आप जितना भी पेज लिखे हैं उसको स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए, इसको सेट करेंगे, ये देखिए आ गया। इसको कंटिन्यू करके इसको फिर से तीसरे पेज को स्कैन कर सकते हैं आप। ये देखिए, ये सेट कर लिया है यहाँ तक, ये 3 पेज हो गए हैं। इसमें ये राइट वाले उसमें क्लिक करेंगे तो ये 3 पेज दिखाएगा। उसके बाद शेयर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, ये इंटायर डॉक्यूमेंट्स में PDF शेयर करने के लिए, क्योंकि इंटायर में करेंगे तभी आपके पूरे कंटिन्यू डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे, मतलब नंबर 1 पेज, नंबर 2 पेज, नंबर 3 पेज। शेयर एज में क्लिक करेंगे और जीमेल में क्लिक करेंगे तो ये देखिए न्यू डॉक करके आ गया है। अब इसमें एक चीज़ और आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ जा करके ये इसको देखिए, यहाँ नेम लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स का नेम है। अब जैसे आपका पेपर है आचार्य फोर्थ सेम फर्स्ट पेपर, इस तरह लिख करके आप इसको आपके नाम से वो सेव हो गया आचार्य के नाम से। इंटायर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद CRH PDF में क्लिक कीजिए, जीमेल में क्लिक करेंगे, उसके बाद जो आपको ईमेल, ये देखिए उसी नाम से अब आ गया है। सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, जो आप फाइल का नाम कर देंगे वही सब्जेक्ट भी बन जाएगा। यहाँ आप ईमेल लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं अपने दूसरे ईमेल में भेजना चाहता हूँ उसको, या और दूसरी जगह भेजना चाहता हूँ। यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखें, है ना, नेम, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद कोई मैसेज लिख सकते हैं, सी दिस अटैचमेंट करके ऐसा लिख सकते हैं। और ये आइकॉन बना हुआ है ऊपर, है ना, इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो है ना सेंड हो गई जिस ईमेल में आप अटैच किए हैं, जिस ईमेल को, ये फाइल सेंड हो गई। देखिए मैंने दूसरे ईमेल में सेंड किया, वो अपने आप पहुंच गई ये फाइल। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं।